दो वरदान तुम्हारे गुण गाऊं भजन करते जाव भवताप सारा सुध बुध में खो जाऊं। हे परमेश्वर कण कण में तुम रमे जगत के त्रिभुवन के रखवारी तुम बिन अब तो रहा न जाए भक्तन के हितकारी मेहर प्रभु जी दीन दयाला युग युग, युग के वास तुम्हारा हो भजन में वास तुम्हारा हो भजन में मधुसूदन चित चकोर बनकर रस अमृत पी जाए। This song is typically sung by Baba's nephews, Sohrabai Rustam, at the time of birthday celebration. And everyone really, really looks forward to listening to it from them. Ram Shyam Isha Allah main kya janu re Ram Shyam Isha Allah main kya janu re मेरे प्यारे बाबा मैं तुझे अपना मानू रे Thank you.
We will be now performing very famous Australian aarti, O Glorious Eternal Ancient One. शाहे फकरा नेस्ले दरिया
खुर्शीद मुझे तेरा ना बेटा एहसान है, पीरो मुर्शीद मुझ पे तेरा ना बेटा एहसान है, लाख होवे जान मुझ पे सब कुर्बान है, लाख होवे जान मुझ पे सब कुर्बान है, पीरो मुर्शीद मुझ पे तेरा मुर्शिद मुझ पे तेरा ना बेटा एहसान है, पीरो मुर्शिद मुझ पे तेरा ना बेटा एहसान है, लाख होवे जान मुझको तुझ पे सब कुर्बान है, लाख होवे जान मुझको तुझ पे सब कुर्बान है, पीरो मुर्शिद मुझ पे मुर्शिद मुझ पे तेरा ना बेटा एहसान है, पीरो मुर्शिद मुझ पे तेरा ना बेटा एहसान है, लाख होवे जान मुझको तुझ पे सब कुर्बान है, लाख होवे जान मुझको तुझ पे सब कुर्बान है, जय जय बाबा जान, जय जय बाबा जान, जय जय बाबा जान, जय जय बाबा की जय। अनंत रंगामध्ये सापडे रंग एक प्रेमाचा, अनंत रंगामध्ये सापडे रंग एक प्रेमाचा, उधळा सारे चहूकडे, उधळा सारे चहूकडे, संदेश प्रभू मेहराचा, अनंत रंगामध्ये सापडे रंग एक प्रेमाचा, अनंत रंगामध्ये सापडे रंग एक प्रेमाचा, अनंत रंगी रंग दाटले
त्यास एक रंगात अनंत रंगी रंग दाटले त्यास एक रंगात विभक्त होतो लोभ क्रोध वासना अशा निमिषात विभक्त होतो लोभ क्रोध वासना अशा निमिषात रंग असे तो मेहराचा अन जीवन साफल्याचा नका करू बे रंग जीवाचा अनुपम या जीवनाचा अनंत रंगामध्ये सापडे रंग एक प्रेमाचा अनंत रंगामध्ये सापडे रंग एक प्रेमाचा पायी काटा रुतला एका हृदय बोच दुसऱ्याचा पायी काटा रुतला एका हृदय बोच दुसऱ्याचा प्रेमाचा हा रंग अनोखा करुणेचा त्यागाचा प्रेमाचा हा रंग अनोखा करुणेचा त्यागाचा मेहर मागतो प्रेम दुजे नच नको तयाला काही शरणागत व्हा समर्पणाचा टाका समिधा त्याही अनंत रंगामध्ये सापडे रंग एक प्रेमाचा अनंत रंगामध्ये सापडे रंग एक प्रेमाचा अवताराचा एक अनोखा रंग मनी उधळावा अवताराचा एक अनोखा रंग मनी उधळावा मेहेर प्रेमाचा हो अवघा तरंग मनी छेडावा मेहेर प्रेमाचा हो अवघा तरंग मनी छेडावा रंग प्रेम जसे ते मीरे से ओठास विषाचा प्याला विषही अमृत झाले तोची रंग असे प्रेमाला अनंत रंगामध्ये सापडे रंग एक प्रेमाचा अनंत रंगामध्ये सापडे रंग एक प्रेमाचा प्रेम मागते नवेच पैसा नको त्याज अभिलाषा प्रेम मागते नवेच पैसा नको त्याज अभिलाषा नको त्यामध्ये विकार आणि नकोच ती मृदु भाषा नको त्यामध्ये विकार आणि नकोच ती मृदु भाषा मौन मागते समर्पणाचा एक हार प्रेमाचा प्रेम रंग तो देई सकला अनुभव दिव्यत्वाचा अनंत रंगामध्ये सापडे रंग एक प्रेमाचा अनंत रंगामध्ये सापडे रंग एक प्रेमाचा अनंत रंगामध्ये सापडे रंग एक प्रेमाचा
अवतार मेहर बाबा की जय। लेके जादू की अपनी बांसुरिया फिर से सुनाने आए रे आए रे आए रे। जिसने गीता सुनाई अर्जुन को, जिसने गीता सुनाई अर्जुन को, साग खाया विदुर जी के घर को, साग खाया विदुर जी के घर को, जिसने पागल बनाया गोकुल को, जिसने पागल बनाया गोकुल को, वही यशोदा के प्यारे कुंवरिया, वही यशोदा के प्यारे कुंवरिया, वही यशोदा के प्यारे कुंवरिया। फिर से सुनाने आए रे आए रे आए रे, लेके जादू की अपनी बांसुरिया फिर से सुनाने आए रे आए रे आए रे। अनहद का संगीत अमर शांति का गीत, अनहद का संगीत अमर शांति का गीत, सुन के जागे सत्प्रीत सत्य होता प्रति, सुन के जागे सत्प्रीत सत्य होता प्रति। हुई मद
तो करते हैं मेहर से प्यार, मेहर से प्यार, चाहे कहे जो भी जमाना, वो तो कर देगा नैया को पार, नैया को पार, चाहे कहे जो भी जमाना, सच है जमाने का अवतार वो है, ये सारी सृष्टि का करता रहो है, वो है कल युग में ईश्वर साकार, ईश्वर साकार, चाहे कहे जो भी जमाना, हम तो करते हैं मेहर से प्यार, मेहर से प्यार, चाहे कहे जो भी जमाना, वो ही है ईश्वर के कैसे बताए, जिसको समझना है अनुभव ही पाए, छेड़ के देखो हृदय के तार, हृदय के तार, चाहे कहे जो भी जमाना, हम तो करते हैं मेहर से प्यार, मेहर से प्यार, चाहे कहे जो भी जमाना, दौलत न देता न संतान देता, देता यदि कुछ तो भगवान देता, ओए कृपा तो पल में हो पार, पल में हो पार, चाहे कहे जो भी जमाना, हम तो करते हैं मेहर से प्यार, मेहर से प्यार, चाहे कहे जो भी जमाना, जो भी कहो वो तो सब में भरा है, उसके सिवा एक करना जुदा है, वो ही केवल है जीवन का सार, जीवन का सार, चाहे कहे जो भी जमाना, हम तो करते हैं मेहर से प्यार, मेहर से प्यार, चाहे कहे जो भी जमाना, ईमान में हिंदी गली और ईसा, जिस पर जमाना लगाया है आशा, बन के मेहर वो आया है द्वार, चाहे कहे जो भी जमाना, हम तो करते हैं मेहर से प्यार, मेहर से प्यार, चाहे कहे जो भी जमाना, समझो भला है ना समझो भला है, सबके नसीबों का निर्णय है, मधुसूदन जियो मेहर स्वीकार, मेहर स्वीकार, चाहे कहे जो भी जमाना, हम तो करते हैं मेहर से प्यार, मेहर से प्यार, चाहे कहे जो भी जमाना, वो तो कर देगा नैया को पार, नैया को पार, चाहे कहे जो भी जमाना, हम तो करते हैं मेहर से प्यार, मेहर से प्यार, चाहे कहे जो भी जमाना, अवतार मेहर बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मेहर बाबा बर्थडे, एंड फॉर बाबाज बर्थडे मैं ये भजन पेश करूँगा जो मैंने खुद लिखा है, एंड आई होप यू ऑल लाइक इट। जय बाबा। मेहर बा मेरी हर धड़कन गवाह है, मेहर बा मेरी हर धड़कन गवाह है, मेरी रूह में अब तू ही समा है, मेहरबा मेरी है धड़कन गवाह है, हाँ मेहरबा मेरी है धड़कन गवाह है, मेरी रूह में अब तू ही समा है।
मेरी रूह में अब तू ही समा है, मेहरबा मेरी है, मेहराबाद आए है शमा के परवाने, मेहराबाद आए है शमा के परवाने, भटके है राही खुद को ना पहचाने, भटके है राही खुद को ना पहचाने, तुझ में है सोए खुद में है जागे, एक नजर से तेरी जागे हुए हैं, मेहरबा मेरी है धड़कन गवाह है, हाँ मेहरबा मेरी है धड़कन गवाह है, मेरी रूह में अब तू ही समा है। मेहराबाद मिट्टी को माथे लगाया, मेहराबाद मिट्टी को मेहराबाद मिट्टी को माथे लगाया, क्या सोना क्या चांदी जा दिल से संभाला, मोती के गलीचे पे हम चल के आए, तेरी नूर से हुए फीके ये दाने, फीके ये दाने, मेहरबा मेरी है धड़कन गवाह है, हाँ मेहरबा मेरी है धड़कन गवाह है, मेरी रूह में अब तू ही समा है, मेरी रूह में अब तू ही समा है, मेहरबा मेरी है। इंद्रजाली पिंजरे से तूने छुड़ाया, इंद्रजाली पिंजरे से हो भ्रम जाल से मुझे तूने छुड़ाया, तेरे ही आशीष का है करिश्मा, क्या बताए कैसी किस्मत खुली है, मेहर अक्षय की निगाहें तुझे से मिली है, मेहरबा मेरी है धड़कन गवाह है, हाँ मेहरबा मेरी है धड़कन गवाह है, मेरी रूह में अब तू ही समा है, मेरी रूह में अब तू ही समा है, मेरी रूह में अब तू ही समा है। अवतार मेहर बाबा की जय। दुनिया वालों जागो रे जा।
तुझको ध्याऊं तुझको गाऊं और न मांगू दान, दे इतना वरदान, दे इतना वरदान। देवाणी में ऐसी रसना जिससे सबको कर लूं अपना, मुख से ऐसी निकले रचना, मुख से ऐसी निकले रचना, Thank you.
युता पोटी के जन्म फेर में रमा रहा हूँ झूठ मिथ्य में। कब तक भेद रहे तू मुझ में, बोलो कृपानिधान दे इतना वरदान, दे इतना वरदान। भटक मन तुझको चाहे, जो भूला घर शाम को आए। मधुसूदन अब कहाँ को जाए, मधुसूदन अब कहाँ को जाए, छोड़ के तेरा बाबा कर 31 जनवरी 1969 का बाबा का समाधि दर्शन का किस्सा सुनाने जा रही हूँ। तब हम लोग पुणे में थे, मैं कॉलेज से आकर घर में चाय ले रही थी। इतने में पड़ोस की एक लड़के ने आके मुझे बताया कि आप मेरे लिए फ़ोन आया है। तो मैं जल्दी जल्दी चलकर जाकर मैंने फ़ोन लिया। वो फ़ोन मेरे भैया के बी थाड़े जी का था। तो उन्होंने कहा, शोभा देखो मैं एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, कौन सी भैया? देखो उन्होंने कहा कि ये दुखद समाचार है, हमारे प्रियतम मेहर बाबा हमारे साथ अभी नहीं रहे हैं। और दोपहर में बाबा हमको छोड़कर चले गए, ब्रह्मांड में समा गए हैं। तो ये बात आप जाके घर पे बताओ और तैयारी करने को बोलो। उसी साथ में आप सेंटर जाके समाचार ले हो, क्या हो मीन्स कैसे जाना है क्या। तो मैं घबरा गई थी और दुख भी हो रहा था बहुत, लेकिन मैं जाकर घर पे ये बताया समाचार। तो माँ और सारे लोग रोने लगे। मैंने कहा, भैया ने कहा है कि जल्दी तैयारी कराओ। तो मैं और मेरे भाई नरेंद्र थाड़े हम लोग दोनों सेंटर गए। सेंटर में बाबा के इसी बात की चर्चा हो रही थी। तो हमारे एक भावसार भैया थे बाबा प्रेमी, तो उन्होंने रात के ट्रेन का इंतज़ाम किया था ताकि हम ट्रेन से सुबह मेहराबाद उतरने वाले थे। तो हमको कहा गया कि हम जल्दी से रात को 10 के बाद में आकर सेंटर ट्रेन पे आ रहे हैं। तो हम लोग जाके घर पे बताया न्यूज़। तो घर पे तैयारी हो गई थी, माँ ने खाना वाना बना के रखा था सब कुछ।
और हम लोग निकल पड़े रात को 10 बजे बस से। हम स्टेशन पहुंच गए। अब स्टेशन पे हमने देखा हमारे रामकृष्णन भैया वगैरह सारे लोग थे, तो वहाँ पर जो बोगी लगी थी वो खास बाबा प्रेमियों के लिए थी। तो हम लोग जैसा अंदर गए बोगी में, बहुत सारे बाबा प्रेमी थे। तो बाबा प्रेमी हम लोग सब एक दूसरे गले मिले। अब ये दुखद समाचार के कारण सारे लोग आँखों से किसी के आंसू बह रहे थे। तो हमने फिर बैठकर बाबा की सारी बातें की याद करना शुरू किया। बाबा के गुरुप्रसाद की यादें, किसी ने बाबा का दर्शन लिया था उसकी यादें, ऐसा करके ये टाइम अच्छी तरह से बाबा के प्रेम में पास हो रहा था। उसी साथ हमने बाबा के कुछ भजन गाए। उन भजन में था, तोरे दर्श से हर्ष भयो राहगीर जा, चलो मेहर दरबार। तो जो वातावरण दुख में था वो बाबा के प्रेम में हमने बिताया। अब हम लोग जब से नगर के पास पहुँचे तब बाहर अंधेरा उजाला था। तो उजाला अंधेरा छटके उजाला हो रहा था। तो हम लोग फिर थोड़ी देर के बाद में नगर स्टेशन छोड़ के आगे गए तो बाबा की समाधि दिखाई दी हमने। और समाधि के पास में जहाँ हमारा रेलवे क्रॉसिंग है, जहाँ से हम ऊपर जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी रुक गई। हम लोग सब उतर के चलने लगे। थोड़ी दूरी पे गए तो थोड़ी दूरी पे जाने पे हमको समाधि तो दिखी, साथ में बड़े दर्द भरी आवाज़ में कोई बाबा का भजन गा रहा था। वो तो और दिल में दुख होने लगा उसकी आवाज़ और उससे जो कह रहा था। ऊपर गए तो बाबा हमको इरज भाई दिखे दिए। कंपाउंड वॉल के जो गेट था वहाँ पर इरज भाई थे, खड़े थे। आज इरज भाई हमको मिलने के लिए खड़े थे। आज बाबा के साथ वो नहीं थे। हरदम ऐसा देखते थे हम चित्र कि इरज भाई बाबा के साथ में या तो बगल में खड़े होते थे या तो बाबा के साथ में बैठकर सबको सुनाते थे। आज वैसा नहीं था। तो हम लोग लेकिन उनको देख के थोड़ा रोना आया। धीरज भाई ने कहा देखो रोना नहीं है। बाबा ने कहा है मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ में हमेशा रहता हूँ। तो जाओ बाबा सो रहे हैं, उनका दर्शन करो। हम लोग गए अंदर, एक करके दर्शन ले रहे थे। तो जब दर्शन हमने बाबा का लिया, मैंने जब बाबा को देखा तो बाबा मुझे ऐसे लगे कि बाबा आँख बंद करके शांत सो रहे हैं। उनका चेहरा शांत था। बाबा के शरीर पे सफ़ेद वाली चादर रखी थी, सर के पीछे भी सफ़ेद चादर रुमाल लगाया था। सब देख के बहुत रोना आया। अभी हमारे जो सारे लोग थे, हमारे बाबा के ग्रुप वाले सब लोग जाकर दर्शन करके आए। अभी सब चर्चा ऐसी हुई तब आके वो लोग ने बताया कि बाबा कुछ महीने बाबा ने कहा था कि मैं पुणे में दर्शन देने वाला हूँ गुरुप्रसाद में। तो मंडली जनों ने कहा था बाबा आप इतने बीमार है, आपको बैठा नहीं जाता, आप कैसे दर्शन दोगे सबको। तो बाबा ने कहा था कि मैं दर्शन जरूर दूंगा पर लेट कर दूंगा। अब ये बात जब याद आई, हमारा जो ग्रुप बाबा के पास प्रातःकाल 1 फरवरी को प्रातःकाल बाबा के पास पहुंच गया था। वो बाबा जो हमारे पुणे में आने वाले थे तो हमारा ग्रुप बाबा के पास पहुंच गया था सुबह प्रातःकाल। और बाबा लेट कर हमको दर्शन दे रहे थे। तो सबके आँखों में आंसू आ गए। सब बाबा नहीं आ सके ना।
तो फिर सब लोग दर्शन लेके बाहर आए, सब फ्रेश हो गए। अभी उधर तभी कुछ सुविधाएं बहुत कम थी, सुविधाएं नहीं थी, पर जैसे था वैसे हमने दर्शन लिया। हमारे साथ छोटे बच्चे थे, उनको फिर कुछ खिलाया पिलाया, बिस्किट वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं ले गए थे, खिलाया पिलाया। अब हमारे पास हमारे आदि काका और सरोज ईरानी आए थे साथ में, तो वो मिलने को आए थे। तो आदि काका ने कहा पुनः ग्रुप आया, अच्छा लगा। तो उन्होंने बताया बाबा को अंत समय क्या तकलीफ हो रही थी, कितनी तकलीफ हो रही थी, और बाबा के शरीर पूरा उड़ रहा था ऊपर पे, तो कुछ कर नहीं पाए हमने, इसने बताया उन्होंने। फिर उन्होंने कहा कि कुछ सुविधाएं यहाँ नहीं है, तो हमने कहा, हमारे रामकृष्ण भैया कहे कि कोई बात नहीं बाबा, हम बाबा के लिए आए हैं। तो बाद में हम लोग आ रहे थे दर्शन को, मेहराबाद वाले नगर वाले लोग आके दर्शन ले रहे थे बाबा का। अभी हमारे प्रताप भैया और उनकी फैमिली भी आ गई 10 बजे के, सब उनके साथ, उनके उनके बच्चे थे छोटे वाले, प्रशांत था और ज्योति थी, नंदन था। प्रशांत के पैरों में कुछ फोड़िया सी हुई थी, तो शरीर में भी तो ढका था उसका, लेकिन हलचल करने पे वो रोता था। अभी सारे बच्चे बैठे थे, हमारे बच्चों को हमने खिलाया, उनके बच्चे भी खिलाया। प्रताप भैया और फैमिली ने बाबा का दर्शन लिया, और जो हमारे साथ हमारे भाई के बच्चे थे, संजू, कल्पना, राजू, अर्पणा और उदय थाड़े, और ये बच्चे सारे ने मिलके बाबा के समाधि जो था वहाँ पर दर्शन लिया। ये बच्चों ने दर्शन जिस लिया, क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि इन बच्चों ने आगे जाके बाबा का बहुत कार्य किया है। बचपन से ही इनको बाबा की पहचान हुई है, और फिर आगे जाके इन्होंने बाबा का बहुत कार्य किया। इसलिए अभी उसके बाद में हमारे बड़े भैया LB थाड़े जी आए, उनके साथ उनके बच्चे अलका, नितिन, दीपक थे, वो लोग भी आके हमारे साथ बाबा का दर्शन लिया, फिर हमारे साथ आके बैठ गए। तो उनका दर्शन हुआ हम, और हम लोग सारे एक साथ इस तरह बैठे थे, और इस तरह लग रहा था हमको ऐसे जैसे मानो अपने घर से कोई गया है अपना वाला। तो दुख हो रहा था सबको, लेकिन बाबा ऐसे थे कि ऐसा ही लगना बाबा के बारे में, जो उनके शरीर को खुद शरीर गया है बाबा, लेकिन बाबा हमारे साथ है। लेकिन ये दुख हो रहा था कि वो शरीर रूप में अभी नहीं रहेंगे ना, दर्शन प्रोग्राम नहीं होंगे। तो ठीक है, फिर अब हम लोग सारे बैठ के बाबा की याद कर रहे थे। फिर हमारे माँ ने कहा कि जो कुछ खाना लाया है वो खा लो, वो खराब हो जाएगा। फिर हम लोग एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर सब लोग, हम लोग ने जो कुछ भी लाया था तो वो थोड़ा थोड़ा करके खाया, क्योंकि अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ मिलना नहीं था। अभी राजी काका आए और उन्होंने ये चर्चा की कि बाबा के लिए बहुत सारे टेलीग्राम आए हैं, तो वो चाहते हैं कि बाबा का सबको दर्शन मिले। वो सही था ना, उनको दर्शन चाहिए था। तो अजी काका ने और जो लोग हमारे भाई रामकृष्ण काका इन लोगों ने डिस्कस किया, तो बाबा का शरीर में कुछ खराबी नहीं होती है तो रहेंगे, एक दो दिन और बढ़ाएंगे। तो उसी तरह बाबा को कुछ खराबी नहीं हुई शरीर में तो और बढ़ाएगा दर्शन। फिर 7 दिन तक, 7 फरवरी को बाबा की समाधि बंद करेंगे ऐसा प्रस्ताव रखा गया। इन उसके बीच में बहुत सारे प्रेमी आके बाबा का दर्शन करके गए। अभी 7 फरवरी को फिर से बहुत सारे लोग बाबा के दर्शन के लिए आ गए, और उस दिन सबको दर्शन हुआ बाबा का। बाबा
बाबा के लिए फूल बहाए गए, बाबा का भजन प्रोग्राम हुआ, आरती प्रार्थनाएं हुई। उसमें एक प्रार्थना इतनी जोरदार थी, जो हरिकेन मोर जी बाबा के डॉक्टर थे, उन्होंने इस तरह के प्रार्थना बोली कि वो प्रार्थना सारे सबके दिल को छू गई। अब यही मुझे कहना है कि परमात्मा ईश्वर उसको कभी मृत्यु नहीं है ना, वो अमर है। बाबा ने यही कहा था कि मैं जब 700 साल के बाद आऊँगा तब मैं सभी प्रेमियों को दर्शन देता रहूँगा। और बाबा ने ये भी कहा कि अभी मेरा जो इस मानवी रूप में मानव पे अवतारित होकर मैंने जो कार्य किया है वो मेरा कार्य ईश्वरी इच्छा के अनुसार 100% पूरा हुआ है। लेकिन मैं अभी इसलिए मैं खुश हूँ, अभी मैं थक गया हूँ, ये बात सही है ना। बाबा तो सकेंगे, थक जाएंगे ना, कितना सारा काम उन्होंने शुरुआत से किया था बाबा ने। जैसे बाबा का और भौतिक कार्य भी बाबा ने किया था, तो जो अंतर्गत कार्य बाबा का था वो विश्व के लिए कार्य था। उसके लिए बाबा ने बहुत सारे एकांतवास उपवास किए थे। शारीरिक कार्य के लिए कार्य हम बाह्य रूप से देखे बाबा के, तो बाबा ने मेहराबाद में जो कुछ संस्थाएँ शुरू की, आश्रम बनाए, स्कूल निकाले, उसके बाद बाबा देश विदेश में बाबा यात्रा करके आए तो बाबा थक रहे थे। बाबा ने नवजीवन शुरू किया, नवजीवन के अध्याय आज्ञा पालन का व्रत बताया सबको। उसी तरह बाबा के 2 एक्सीडेंट हो गए जिसमें बाबा के शरीर में बहुत हड्डियों में चोट आई, उसके तकलीफ हो रही थी बाबा को, और मनोनाश का कार्य किया, उसके लिए पैदल चल पड़े बाबा। उसके बावजूद भी बाबा ने बाद में बड़े बड़े दर्शन सवास प्रोग्राम किए दुनिया भर में बह के। बाबा विदेश में गए, विदेशियों को बाबा प्रेम फैला। अब ये सारे का परिणाम हम देखते हैं कि जब बाबा पहले से तो हो रहा था ही परिणाम, तो बाबा के जाने के बाद में एक प्रेम की लहर ने सारे देश विदेश को व्याप लिया। और उसके लिए तो बाबा के प्रेमी बहुत बढ़ने लगे। हम आज देखते हैं कि समाधि पे हजारों की तादाद में लोग आके दर्शन लेते हैं, बहुत सारे नए बाबा प्रेमी बन गए हैं, जगह जगह पर भजन मेले हो रहे हैं, प्रेम मिलन मेले हो रहे हैं, नए सेंटर बनाए जा रहे हैं। ये सब बाबा के जो कार्य था, बाबा का जो आंतरिक कार्य था, बाबा ने जो मेहनत की है, इसका फल है ये। अभी उस समय हमारे सेंटर में, इस सेंटर में हमारे 1961 और 2 में ये लहर हमारे सेंटर में आ पहुंची, और इस लहर ने हमें एक नया मोड़ दिया। हमारे सेंटर में भजन प्रोग्राम, भजन मंडली थी हमारी जोरदार, भजन तो होते ही थे, लेकिन एक नया दौर शुरू हुआ कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, इन छोटे बच्चों के जरिए हम लोग कार्यक्रम प्रदर्शित करने लगे, इन छोटे बच्चों के नृत्य नाटिकाएं होने लगी। और इसके लिए हमारे बम्बई के प्रताप भाई आते थे, उन्होंने बाबा के भजन लिखते थे, नाट्य लिखते थे, और हम लोग उनको ट्रेनिंग दे के बच्चों के प्रोग्राम होते थे। इन भजनों में बाबा के बारे में, बाबा के कार्य के बारे में, बाबा के स्वरूप के बारे में, और बाबा के आशीर्वाद और प्रेम के बारे में लिखा जाता था। और इसका परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि बच्चों का और सबका मिलजुल देख के हमारे सेंटर में भीड़ होती थी प्रोग्राम देखने को, इतनी भीड़ कि सेंटर भर के आगे तक भीड़ लगती थी।
ओ एक प्रकार का माहौल वातावरण शुरू हुआ था, वो बन गया था। उस वातावरण के लिए, माहौल के लिए हम हर साल देखते थे, वेटिंग करते थे कि कभी बाबा का जन्मदिवस आए और कब हम इसको प्रदर्शित करें। और एक प्रेम भरा एटमॉस्फेयर तैयार हो रहा था, तैयार हो गया है और तैयार होता रहेगा। बाबा ने यही कहा है कि मेरी आज्ञाओं का पालन करो, मेरा दामन पकड़े रहो, अंदर और भीतर, मन में और बाहर भी ऐसा रखो कि एक जैसा वातावरण होना चाहिए। मुझसे इस तरह प्रेम करो जैसा तुम्हारा आचरण और मुझ पर का प्रेम देख के सारे लोग मुझसे प्रेम करने लगेंगे, और मेरा दामन हमेशा पकड़े रहो। और एक बात बाबा के प्रार्थना में हम देखते हैं कि दूसरों को दुख देने वाले शब्द तथा कार्य नहीं होने चाहिए, दूसरों को सिर्फ प्रेम ही प्रेम देना चाहिए। तो मैं यही कहने तुम्हें, प्रेम ही देना, प्रेम ही लेना, और है क्या समझाने, मेहर सब ही जाने, अवतार मेहर बाबा। Today I will be playing Go Tell It on the Mountain. This song is commonly played on Christmas morning to celebrate the birth of Jesus Christ. Thank you.
मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा की जय। Composed basing on the advent of Avatar Meher Baba and his divine messages. Baba says, I have come not to teach but to awaken. This was inscribed on the plaque of Baba's tomb shrine. You and I are not we but one. Love is the gift from God to man. If you love me in your level, I will take you to mine. अवतार मेहर बाबा की जय। देवादि देवुडे अवतरिंचेनु मनल मेरु मेलु कोल्प जनयिंचेनु भूमिलो करुणिंचेनु देवादि देवुडे मनकु निज मार्गमु चूपिंचिन वाडु मनलो रुजुवैतन नेर्पिंचिन वाडु వెతలను బాపి ప్రేమతో మనలను దరిచేర్చే దివ్యనాముడు మన మేరు దేవుడు దేవుడు
हरीची परवड तुला बघवत तरी कशी रे, कशी बघवती, कुठवर हे भोग भोगायला लावशील आता, आता सोसवत नाही रे, उचल उचल बाबा आता। हा 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 अगं बया, हा तर खरंच यम आहे, आता काय करायचं? अरे मी आता कुठं बी येणार नाही, माझी लय काम पडल्यात, मला माझ्या नातीचं लगीन बघायचं हाय, अजून तिचं बाळ बघायचं हाय, ते तर खूप लांब आहे, माझ्याकडे वेळ नाही, चल आवर। अरे मी तुला सांगायचंच विसरले, मी इठ्ठलाला नवस केला होता कि त्याची पायी पायी वारी करीन, मला तिथं भी जायचं हाय, देवाचं काम आहे, नाही म्हणू नकस, तुला पाप लागल। पाप? लोकांचे पापांचे घडे भरले कि मी त्यांना उचलून नेतो, चल आवर। अरे मला शिर्डीला भी जायचं हाय, तेवढंच तुझं वजन कमी होईल, माझी काळजी करू नकस, चल आवर। अरे तुला सांगायचंच विसरले, नगर जवळ काहीतरी अरणगाव म्हणून एक गाव आहे, नाव ठाऊक नाही मला, पण खूप मोठी जागृत समाधी आहे म्हणे, खूप जागृत देव आहे म्हणे, तिथं पण डोकं टेकवावं म्हणते। मेहर बाबा, ते तर देवांचे देव आहेत, तू तू म्हणत असलेलं देव मेहर बाबा आहे, तू तिथं जात असेल तर तुला नको कसं म्हणू, पण आता एक कर, उगीच कवा भी मला बोलवू नकस। म्या म्यार कवा बोलावलं? आता यार घेऊन प्याडगावाला जाऊ नकस, तूच तर तुझी सोसणं झालंय बाबा, उचल रे बाबा आता। अरे येड्या, तुझ्या डोसक्यात काय भुसा भरलाय का र? म्या तुला उचलायला हे बोलवलं हे खरं आहे, उगी का खोटं बोलू, पण म्या मला नव हिमोळी उचलायला बोलवलं, आता गप गुमान हिमोळी उचल आणि चल माझ्या पुढं पुढं। म्हातारी लयच बेरकी दिसती, हिनी तर प्रत्यक्षात यमालाच मामा बनवलं की। बाबा की जय। गर हो नैया मझधार और टूटे पतवार, मेहर दामन छूटे ना छूटे ना, तुझ पे बीते हजार दुख हिम्मत ना हार, मेहर दामन छूटे ना छूटे ना, हो मेहर दामन छूटे ना छूटे ना, तुझ पे बीते हजार दुख हिम्मत ना हार, मेहर दामन छूटे ना छूटे ना, हो मेहर दामन छूटे ना छूटे ना। डगमगाते हुए हिचकिचाते हुए कोई जाता है पी के मिलन को, कोई जाता है पी के मिलन
तो ऐसी नगर जिसकी ऊंची डगर, भी तो ऐसी नगर जिसकी ऊंची डगर, जाना हाथों में लेकर जिगर को, ओ जाना हाथों में लेकर जिगर को, छोड़ तन मन की आस तोड़ माया के पास, मेहर दामन छूटे ना छूटे ना, ओ मेहर दामन छूटे ना छूटे ना, वो लगन ही नहीं भूले ना खुद को ही, वो लगन ही नहीं भूले ना खुद को ही, तू तो लिपटा है अपने ही आप में, तू तो लिपटा है अपने ही आप में, मन तो माने नहीं मस्त अपने में ही, मन तो माने नहीं मस्त अपने में ही, डूबे प्रीतम ना प्रेमी ना प्रेम में, ओ डूबे प्रीतम ना प्रेमी ना प्रेम में, छोड़ तन मन की आस तोड़ माया के पास, मेहर दामन छूटे ना छूटे ना, ओ मेहर दामन छूटे ना छूटे ना, प्रीत क्या चीज है सुना तूने भी है, प्रीत क्या चीज है सुना तूने भी है, यहाँ सर्वस्व करना न्योछावर, यहाँ सर्वस्व करना न्योछावर, तू न दुनिया रहे पी ही केवल रहे, तू न दुनिया रहे पी ही केवल रहे, ऐसी मजबूरी होती यहाँ पर, ऐसी मजबूरी होती यहाँ पर, यूँ चलेगा अगर मधुसूदन अमर, यूँ चलेगा अगर मधुसूदन अमर, तेरा संयम छूटे ना छूटे ना, हो तेरा संयम छूटे ना छूटे ना, छोड़ तन मन की आस तोड़ माया के पास, मेरे दामन छूटे ना छूटे ना, हो मेरे दामन छूटे ना छूटे ना, तुझ पे बीते हजार दुख हिम्मत ना, मेरे दामन छूटे ना छूटे ना, हो मेरे दामन छूटे ना छूटे ना, हो मेरे दामन छूटे ना छूटे ना, अवतार मेहर बाबा की जय।
नाई। पूजा पाठ का बंधन नाई, नहीं योग अभ्यास। पूजा पाठ का बंधन नाई, नहीं योग अभ्यास। निजी काम में सुमिरन करना, निजी काम में सुमिरन करना, हर उसरे पास जिगायो जिगायो जिगायो, मेहर जिन धायो मेहर दिन पायो, मेहर जिन धायो मेहर दिन पायो। करो बनवास, नहीं करो बनवास, नहीं त्यागो दुनिया में कुछ, नहीं करो बनवास, नहीं करो बनवास, प्रेम करो अपने सम सबसे, करो अपने सम सबसे, और अहम का नाश जिगायो जिगायो जिगायो, मेहर जिन धायो मेहर दिन पायो, मेहर जिन धायो मेहर दिन पायो। मधुसूदन तुम निश दिन धरना, मधुसूदन तुम निश दिन धरना, मैं हर प्रभु का दास चिरधायो चिरधायो चिरधायो, मेहर जिन धायो मेहर दिन पायो, मेहर जिन धायो मेहर दिन पायो। चिलधायो चिलधायो चिलधायो, मेहर जिन धायो मेहर दिन पायो, मेहर जिन धायो मेहर दिन पायो।
Parvardigar, the preserver and protector of all. You are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths, manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the lord of lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all-merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are beyond God and the beyond beyond God also. You are Parabrahma, Paramatma, Allah, Ilahi, Ahurmazd, God the Beloved. You are named Izzad, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most specially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Amen. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Dhaman till the very end. Avtar Mihir Baba Ki Jai.